सागर शहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कहना चाहूंगा मैं कि जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कैश बहुत ही कम थे, करीब 150 रुपए भी कैश नहीं थे, लगभग देखा जाए तो 100-110 रुपए के आसपास कैश थे। देश चाहे जितना डिजिटल हो जाए लेकिन हर चीजें हर सुविधाएं डिजिटली नहीं मिल पाती, उसका रीजन लोग नहीं, उसका रीजन सरकारें हैं। ये दमोह के पास का टोल है, दो टोल हमें पड़े और दोनों में फास्टैग दोनों में उपयोग नहीं हुआ है। कहाँ सामने? ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्या साफ हो जाएगा? बोला कि स्क्रैच लगा है आपकी गाड़ी में ना, है। सामने चल रहा है तो साफ हो जाएगा। चलो साफ करवाते हैं। चलो देखते हैं ना, पहले साफ तो करें, ले लेंगे मजा ले, पहले साफ तो करवाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये साफ करने के लिए जो इस गाड़ी में स्क्रैच होता है वो साफ करने के लिए एक कंपनी है, देखते हैं किस तरह से साफ करते हैं ये। तो अभी जबलपुर से सागर के बीच में हमें 3 टोल गेट मिले, 3 के तीनों टोल गेट में जो स्मार्ट टैग लगा हुआ है, फास्ट टैग लगा हुआ है कार में, वो काम नहीं करता है और उसकी वजह से आपको कैश देने पड़ेंगे, इसलिए आप कैश साथ में रखिए। अगर आपके पास कैश नहीं है, कार्ड पे आप भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी या दिक्कत हो ही जाएगी। हमको भी 2-3 बार दिक्कत हुई है अभी इसी रास्ते में। अच्छा है कि हमारे पास कैश था, कैश नहीं होता तो ना तो फास्ट टैग काम करता और ना ही आपका ATM कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड काम करता, गूगल पे भी काम नहीं करता। तो ये एक जानकारी है जो हम साझा करना चाहते हैं इस रोड के बारे में। भोपाल यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और हम सागर के बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर यहाँ से सागर है। दिन ढलने को है, लगभग 5 बज चुके हैं, 9 बजे हम लोग चले थे और 5:15 बजे हम सागर पहुंचेंगे। काफी लंबा सफर रहा और हमने कई चीजें कवर की है। हमने गोपाल भार्गव के क्षेत्र गढ़ा कोटा में काफी चीजें कवर की हैं, उनके बारे में लोगों ने जो बोला है वो कवर किया है। उसके लिए आपको द खबरदार न्यूज की वीडियो देखनी पड़ेगी, द खबरदार न्यूज चैनल में जाना पड़ेगा, यूट्यूब में, फेसबुक में, उसमें सर्च करना पड़ेगा और वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में गढ़ा कोटा पहुंच चुके हैं। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर कार्य कर रहे हैं, सभी के हित में कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को गैस दिया जाए, फिर किस लिए नहीं दिया जा रहा है सर, थोड़ा सा आप ये बता दें बस। पूरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी तो सागर शहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कहना चाहूंगा मैं कि जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कैश बहुत ही कम थे, करीब इस रोड में हमारे पास कार्ड था, ज़्यादातर लोग डिजिटल इंडिया की हम जो बात करते हैं उस पर मैंने पहली बार यकीन किया और मेरे जेब में लगभग 150 रुपए कैश थे, 150 रुपए भी कैश नहीं थे, लगभग देखा जाए तो 100-110 रुपए के आसपास कैश थे और इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा इस रोड में कैश ना होने की वजह से कि डिजिटल इंडिया के लिए मेरे मन में जो भावनाएँ थी वो कहीं ना कहीं सही मिल रही हैं कि देश चाहे जितना डिजिटल हो जाए लेकिन हर चीज़ें हर सुविधाएं डिजिटली नहीं मिल पाती, उसका रीज़न लोग नहीं, उसका रीज़न सरकारें हैं। अब जैसे टोल टैक्स इस रोड में जितने भी जबलपुर से लेकर सागर रोड तक जितने भी टोल टैक्स हैं किसी में भी फास्ट टैग का उपयोग नहीं होता, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, आपको कैश ही देना पड़ता है, ना आप गूगल पे यूज कर सकते हैं, ना आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों में डिजिटल इंडिया धराशायी हो जाता है और इसीलिए मैं हमेशा कुछ न कुछ कैश रखता हूं अपने पास ताकि डिजिटल इंडिया बड़े बड़े संस्थानों, कुछ दुकानों तक ही अभी भी सीमित है,
कई सरकारी संस्थान, बड़े बड़े टोल टैक्स वाले जो ठेकेदार हैं, अब इसी बात है उनके पास बहुत से पैसे हैं लेकिन वो ये सुविधाएं विकसित नहीं कर सके। एक स्कैनर नहीं है उनके पास, अपग्रेडेड फैसिलिटीज नहीं है, जबकि फास्टैग को आए हुए फेब्रुवरी से मैंडेटरी हो गया था तो कई महीने बीत चुके हैं। और यह रोड ऐसी रोड नहीं है कि ऐसी जगह में हो जहां लोग कभी कभार आते हों, ये काफ़ी चलती फिरती रोड है। हजारों लाखों लोग इस रोड में हर दिन सफ़र करते हैं और इस रोड की जो कंडीशन है, एक तो वो भी सही नहीं है, दूसरी चीज़ तीन के तीन टोल टैक्स में कभी भी हमारा फास्टैग काम नहीं किया। क्या कहोगे अनुपम डिजिटल इंडिया की इस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में? काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ है लेकिन इसके बावजूद जो है तो यही कहना, देश में साक्षरता का मतलब दस्तखत होता हो, वहाँ पर पूरा देश डिजिटल इंडिया की अगर बात के साथ उचित नहीं होता। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि अगर आप सड़क में जा रहे हैं, आप कहीं भी हैं, तो आपके पास कुछ कैश होना चाहिए। आप हमेशा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्रेडिट कार्ड पे तो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे सिर्फ गूगल पे वगैरह जो फोन ऑपरेटेड चीजें हैं उस पे डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गूगल पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पास कैश होना जरूरी, तो 100% इंडिया कैशलेस नहीं हो सकता। हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में गढ़ा कोटा पहुंच चुके हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, एक नंबर कार्य कर रहे हैं, सभी के हित में कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक तो नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को गैस दिया जाए, फिर किस लिए नहीं दिया जा रहा है सर, थोड़ा सा आप ये बता दें बस। पूरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी